कोई किसे न सुख और दुख का, बई देने वाला ना। पड़े भोगने भोग कर्म के होता टालना, कोई किसे न सुख और दुख का देने वाला ना। पड़े भोगने भोग कर्म के होता टालना। संचित क्रिया मेल मिला के बना कर तकदीर, प्रारब्ध पहले बने बंदे का पाछे बने शरीर, संचित क्रिया मेल मिला के बना कर तकदीर। जब लागे से तीर कर्म का वो कोई रोखाला ना, पड़े भोगने भोग कर्म के होता ताला ना। कोई किसे न सुख और दुख का हो देने वाला ना, पड़े भोगने भोग कर्म के होता ताला ना। कर्म करे से बंदा वैसा दे दुफल में, रामायण और गीता गावे आवे नहीं अकल में। जैसा कर्म करे से बंदा वैसा दे दुफल में, रामायण और गीता गावे आवे नहीं अकल में। उसे समय घड़ी और पल में नल बचाला ना, पड़े भोगने भोग कर्म के होता टाला ना। कोई किसे न सुख और दुख का देने वाला ना, पड़े भोगने भोग कर्म के होता टाला ना। जन्म संतान नहीं मैं कितते दे दुला के, पुत्र ऐसी चीज नहीं मैं तन पकड़ा दुठा के। सात जन्म संतान नहीं मैं कितते दे दुला के, पुत्र ऐसी चीज नहीं मैं तन पकड़ा दुठा के। कह दिए उन तजा के जान का करियो गाला ना, पड़े भोगने भोग कर्म के
होता टालना। कोई किसे न सुख और दुख का देने वाला ना, पड़े भोगने भोग कर्म के होता टालना। धरती हो रहा से कन ज्ञान वेदना पावे, पतिव्रता पुत्र गन तरसे फूड़ लाल खिलावे। खेल कुदरती हो रहा से बन ज्ञान वेदना पावे, पतिव्रता पुत्र गन तरसे फूड़ लाल खिलावे। कृष्ण लाल ब्राह्मण गावे दन पागयो जालाना, पड़े भोगने भोग कर्म के होता टालाना। कोई किसे न सुख और दुख का देने वाला ना, पड़े भोगने भोग कर्म के होता टालाना। नारायण नारायण, हे प्रभु आपकी माया कोई नहीं जान पाया, चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। कहाँ जाता है नरसी, अब तेरा कौन है, क्योंकि तू अपनी जमा पूंजी सारी दान कर चुका है। अब निर्धन को कौन पास बिठाता है, कौन ऐसे समय में काम आता है। नहीं नहीं, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, मेरे भाई मेरी सहायता जरूर करेंगे, मैं अपने भाई के पास ही जाता हूं। भाई प्रणाम। प्रणाम भाई, बोलो कैसे भाई की याद आई। भाई भाई तुम मेरी सिर्फ आज आज लाज रख लो और मुझे कुछ संतों को खिलाने लायक राशन दे दो, मैं तुम्हारा एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा भाई। नरसी, मांगने की आदत जिसे एक बार पड़ गई ना, वो एक बार नहीं हजार बार मांगेगा और यही बात कहेगा कि वो दोबारा मांगने नहीं आएगा। मैं इस चौखट पर पहली और आखिरी बार मांगने आया हूँ भाई, भगवान के लिए ना मत कहना, मेरे घर पर संत आए हैं और भोजन खिलाना है भाई। नरसी, ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब दुनिया को अपना सारा धन लुटा रहे थे। भाभी, मैंने घर अपने किसी ऐब से नहीं लुटाया, मैंने तो हमेशा दूसरों की मदद की है और घर आए मेहमान की आव भगत की है भाभी। तो अब क्या चाहते हो, कि हम भी तेरी मदद और आवाभगत के चक्कर में तेरी तरह भिखारी बन जाएं और कंगाल बन के गलियों में मांगने के लिए मजबूर हो जाएं? अब कहां गया वो तेरा कृष्ण भगवान, जिसकी भक्ति में लीन होकर तूने अपना सब कुछ औरों को लुटा दिया। अब तो वही तुम्हारी मदद करेगा, बुला लो उसे, आ जाएगा और तेरे साधुओं को भी खाना खिला जाएगा।